कि ये जाति सूचक शब्दों को नाम लेकर के बिकाऊ बता देते हैं, कभी ये बहुजनों को बिकाऊ बताते हैं, तो कभी ये बैकवर्ड को बिकाऊ बताते हैं। इस बार इन्होंने कहा कि महाराज वोट खरीदा है हमने, वोट दिया नहीं आपने। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी 12 न्यूज, मेरा नाम है सौरभ सप्ता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कन्नौज में कार्यक्रम था, कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। कुछ कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, समझते हैं कन्नौज का माहौल क्या। समाजवादी पार्टी की नेत्री सुषमा सिंह हमारे साथ हैं, उनसे समझते हैं कन्नौज, मैम कन्नौज का माहौल क्या, राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके आए थे कन्नौज में। आज ये जो हवा चल रही है, इस हवा में अखिलेश यादव जी का नाम उड़ रहा है, और नाम उड़ रहा है, काम तो कन्नौज में वैसे ही उड़ता था कन्नौज। समाजवादी पार्टी ने आज भी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, कार्यक्रम हुआ, लेकिन कोई प्रत्याशी नाम पर कोई घोषणा नहीं हुई। क्या आपको लगता है कि आज के इस जन सैलाब के बाद घोषणा होने की जरूरत है? चेहरा कोई भी हो, वोट तो सिर्फ साइकिल के नाम पर ही जाना है, और सांसद हमारे समाजवादी पार्टी का ही बनना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, ये बड़ा प्रश्न है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज हम लोगों से वादा किया कि वो कन्नौज कभी नहीं छोड़ेंगे, और कन्नौज वाले समाजवादी पार्टी के कभी भी किसी नेता का साथ देना नहीं छोड़ सकते, नेता चाहे जो भी हो। हमारे आराध्य हैं श्री अखिलेश यादव जी, उनके एक इशारे पर हम लोग जी जान कुर्बान कर देने वाले लोग हैं। भाजपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिया, बसपन कर दिया, समाजवादी पार्टी कब तक घोषित करेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी ने तो बहुत जगहों सबसे पहले ही प्रत्याशी घोषित कर दिए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले ये तो तय करे कि मुद्दे अपने तय करे, प्रत्याशी तय करने से कुछ नहीं होता, उनको मुद्दे तय करने चाहिए कि हम कौन से मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। किन मुद्दों पर कन्नौज में चुनाव लड़ी जाएगी समाजवादी पार्टी? कन्नौज में महिला सुरक्षा के नाम पर चुनाव होगा, कन्नौज में विकास के नाम पर काम होगा, कन्नौज में रोजगार के नाम पर काम होगा, कन्नौज में शिक्षा के नाम पर काम होगा, और कन्नौज में स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर काम होगा। कन्नौज में सबसे बड़ा काम अगर होगा तो किसानों के नाम का। सूरत पाठक कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में सबसे ज्यादा कन्नौज में काम हुआ। वो तो नंबर एक के झूठे हैं, अपने काम नहीं गिनवा पाते हैं। जब भी अगर उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसे पन्ने पलटते रहते हैं, उनके पास कोई प्रश्न नहीं होता कि मुझे कहना क्या है, इसीलिए तो उनको नाम दिया गया है। पानखोर पान खाकर पता नहीं कौन सी मदमस्ती में रहते हैं, झूठखोर इसलिए क्योंकि झूठ का पुलंदा उनके सर पे बंधा हुआ है, और इसलिए है क्योंकि उन्होंने कहा था मैं कन्नौज का बेटा हूँ, और बेटा अपने आप को यहाँ बेटा साबित नहीं कर। पूरी तरीके से स्वस्थ है कन्नौज में, समाजवादी पार्टी जीते? कन्नौज में 100% समाजवादी पार्टी ही जीत रही है, और हम अपना सांसद बना करके भेजेंगे। कितना बड़ा मार्जिन रहेगा? मार्जिन कितना भी हो, बात उठा पटक की होती है, चौखाने ये चित मिलेंगे बस। आज आपने जो नेता और जितने वरिष्ठ नेतागण थे, जितने भी कार्यकर्ता थे, आज आपने रोष देख लिया होगा कि इनको शर्म नहीं आई, ये निहायती हैं कि ये जाति सूचक शब्दों को नाम लेकर के बिकाऊ बता देते हैं, कभी ये बहुजनों को बिकाऊ बताते हैं, तो कभी ये बैकवर्ड को बिकाऊ बताते हैं। इस बार इन्होंने कहा कि महाराज वोट खरीदा है हमने, वोट दिया नहीं आपने। ये किसी को भी खरीद लेते हैं और बाद में इल्जाम दूसरों पर लगाते हैं। और हमारा लोधी समाज भी भारी से भारी संख्या में एकजुट होकर सिर्फ और सिर्फ साइकिल वाले बटन के लिए मतदान करेंगे। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो पीडीए चलाया आपने, पूरा आएगा आपकी आपकी तरफ? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक दुखी अगड़े आधी आबादी और ऑल अदर पर्संस जो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, जो विकास कराना चाहते हैं, और जो चाहते हैं कि शिक्षा के नाम पर बेहतर व्यवस्थाएं हो, जो चाहते हैं कि महिला सुरक्षा हो, वो सभी मिलकर के समाज। वैसे ही तो आपका खेल नहीं बिगाड़ देंगे, पीडीएम उन्होंने बनाया, पिछड़ा दलित मुस्लिम। देखिए, हम अपने काम की बात करते हैं, बाकी आने जाने वालों के लिए हम कुछ भी नहीं कहना चाहते, वो भी सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन हमें सिर्फ अपने काम से मतलब है। यहाँ पर जो टक्कर दे पा रहा है हम उसी के लिए काम करेंगे। धन्यवाद हमसे बात करें। तो ये थी हमारे साथ सुषमा सिंह, समाजवादी पार्टी की नेता थी, कैमरामैन गौरव के साथ सौरभ सप्ता।